तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे मुसाफा किया। उससे मुसाफा करने के बाद कहा, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है कि तू कायनात में इस वक्त वो शख्स है जो अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करता, तो मैं तेरी ज़ियारत के लिए आया हूं। बैठ के गुफ्तगू हुई। कुछ देर बाद वो कहने लगा, मुझे प्यास लगी है, ऐ मूसा मुझे एक प्याला पानी पिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बैठ के लिया, दो मिनट बैठ सर, बस पर 5-7 मिनट हमें गुफ्तगू करनी है, ज्यादा नहीं। अलैहिस्सलाम ने कहा, लाओ प्याला। उसने प्याला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी लेने के लिए चश्मे पर, जब पानी भर के लाए तो देखा वो जो अल्लाह का मुहिब था, जो अल्लाह से मोहब्बत करता था, उसको एक शेर ने चीर फाड़ दिया, लहू लुहान पड़ा है। ये मसला देखकर, मामला देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये तो अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला था, इसके साथ क्या हो गया। अल्लाह से पूछा है, हमारे इलाके वो तो तुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, तूने एक दरिंदे से उसको चीर फरवा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मुझे अपनी इज्जत की कसम है, अगर ये तेरे इत्तेबा मुझे कहता कि पानी पिला तो मैं इसके पांव से चश्मा जारी करूंगा, लेकिन मुझे ये करारा नहीं कि वही तू मेरा हो, पानी तुझसे। ये मुहिब है, इसलिए अल्लाह ने कहा मुहिब ना करना। इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह के मुहिब बनना चाहते हो तो मुहिब ना करना, फत्तारूनी इत्तबा करना रसूलुल्लाह की, जो बेवकूफ अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना, मुहिब ना बनना महबूब बनना। और महबूब बनने का एक आसान तरीका, इत्तबाए रसूल।